मेरी सभी यात्रियों से यही अपील है कि आपके माध्यम से कि वो बिना खौफ के आएं और दर्शन करें, लेकिन प्रिकॉशंस लेना उनका हमें साथ चाहिए। जो सिक्योरिटी अलर्ट्स उनको दिए जाएंगे उनको वो फॉलो करें, जो श्राइन बोर्ड उनको प्रिकॉशंस लेने के लिए कहेगा वो इसको ज़रूर ऑब्ज़र्व करें। जैसे कट ऑफ टाइमिंग्स हैं, कौन सा पॉइंट कितने बजे क्रॉस करना है, जैसे जवाहर टनल को इतने 3 बजे से पहले पहले क्रॉस करना, वो उनको खुद ही उसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए, बजाय इसके कि पुलिस उनको रोके या सुरक्षा बल रोके। जो नया हाईवे से अगर उनको गुजरना है तो वो दूसरे ओल्ड हाईवे जो कंजेस्टेड टाउन से निकलता है वहाँ वेंचर आउट ना करें, और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का तौबन करें। और आम आदमी के लिए क्या संदेश है जो कि भारत में रहता है या बाहर रहता है और टूरिज्म के लिए आना चाहता है, वो इसके ऊपर? कल इतनी भीड़ थी सभी टूरिस्ट स्पॉट में, गुलमर्ग, पहलगाम, की मेरी इतला के मुताबिक गाड़ी लगाने की, पांव रखने की जगह नहीं थी। इतना ट्रैफिक जैमिंग था जो रेस्ट ऑफ कंट्री में होता है। तो मेरी सबसे अपील है कि बिना खौफ के कश्मीर आएं। इस ये कुदरत की एक नियामत है लोगों के लिए कश्मीर, और इसको आकर एंजॉय करना चाहिए, और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस उनका सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे।